कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज मंगलवार के दिन बाजारों में लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस सिंगर, एमएस स्क्रैप के भाव, कास्ट आयरन के भाव क्या रहे, चीआरसी कॉइल के भाव की जानकारी, साथ ही साथ मेटल बाजार की जानकारी, सोने चांदी में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी होलसेल मार्केट का कामकाज करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप यहां पर जुड़ के मार्केट के व्यू को आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया है। और जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगर से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगर, जैसे कि आप देख रहे हैं, 46,000 रुपए का स्तर जो है एक महत्वपूर्ण स्तर तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में आप देख रहे हैं लगातार 46,000 रुपए के आसपास से ही बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी बाजार एक बार 46,200 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद बाजार 46,400 से 500 रुपए हुआ, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो 46,400 रुपए पे ही बाजार फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। इसी तरीके एमएस स्कैप का बाजार भी 35,300 रुपए पे बाजार बंद हुआ। एमएस सिंगर टोल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए हो गया, जैसा कि पीछे बात करी गई थी कि 11,500 रुपए हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जल्दी जल्दी 11,500 रुपए होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसी सूचना मिल रही है कि व्यापारी लोग पछतर नहीं है कि ऑलरेडी स्क्रैप पे जो कन्वर्जन रेट है वो बेटर चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ाने के पछतर फिलहाल नहीं देखे जा रहे हैं। अब बात करेंगे क्या स्थिति है। एमएस सिंगर टोल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए रहा। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,000 रुपए, इम्पोर्टेड का बाजार 40,000 रुपए, इसमें 300 रुपए पर टन की दोनों में गिरावट दर्ज करी गई है। एचआरसी सीआरसी कॉयल की अगर बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉयल का बाजारों में एक बढ़त देखी गई है। लुधियाना एचआरसी कॉयल का बाजार 54,500 रुपए, सीआरसी कॉयल का बाजार 60,300 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बाजार 53,500 रुपए, सीआरसी कॉयल का बाजार 59,000 रुपए, जबकि कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 52,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो अब बता देते हैं कि इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है, मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट जिसको ज्वाइन होना है यूट्यूब पे ज्वाइन का बटन है, वहां से डायरेक्ट भी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और जो लोग भी आप लोग डायरेक्ट अगर संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जहां पर बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, मार्केट पर किस तरीके से हलचल हो रही है, घरेलू विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, क्या रणनीति आप अपनाएंगे, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी जाती है। तो बात कर लेते हैं अब विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। विदेशी बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो विदेशी बाजारों में चीन के बाजारों में आज लगभग 0.03% लगभग आप देखेंगे 0.25% की बाजारों में एक बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आयरन और रिवर के भाव में तेजी देखी जा रही है। अगर आप मेटल बाजारों में देखेंगे तो मेटल बाजारों में धुआंधार तेजी जारी है, उसका असर यहाँ पर पड़ रहा है। और चाइना में जैसे कि जो इकोनॉमिक रिवाइव होने का जो खबरें पीछे आपने देखी थी, इकोनॉमी रिवाइव की, उसका इम्पैक्ट आपने बाजारों में देखा। यहाँ पर आप लोगों ने एक लोहे इंगट पर एक जबरदस्त तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दी। 42,000 रुपये का जो भाव चल रहा था वहां से बाजार 47,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया। इसी के तहत आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान का, उसमें कुछ शांति होने की संभावना व्यक्त हो रही है कि बाजारों में उसको किसी तरीके से कूल डाउन किया जाए, तो उसका असर भी बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। तो उसके हिसाब से अगर बाजारों में देखेंगे तो बाजार में फिलहाल के लिए आप नीचे में एक सपोर्ट 46,000 का ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर एचबी वायर का बाजार 49,200 रुपये हो गया, लगातार ऊपरी स्तर से दबाव देखा जा रहा है। जीआई वायर का बाजार 53,500 रुपये हो गया। एमएस पाइप की अगर हम बात करेंगे, गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 46,200 रुपए रहा। यह जो भी हमने आपको भाव बताए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस प्लस डायरेक्ट डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से टीएमटी में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो सरिया बाजार में अगर देखेंगे, सरिया में मंडी गोविंदगढ़ का बाजार 51,000 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 47,000 रुपए के आसपास ही लगातार कामकाज कर रहा है। इंदौर का बाजार 51,200 रुपए, रायपुर का बाजार 46,000 रुपए रहा, जबकि जयपुर का बाजार 49,700 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 49,000 रुपए, भावनगर का बाजार
52,700 रुपए रहा, गाजियाबाद का बाजार 50,500 रुपए, जलना का बाजार 51,500 रुपए, पटना टीएमटी का बाजार 48,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो ये आप देख के चल सकते हैं, सभी टीएमटी के बाजारों में एक स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहा है। बाजारों में बहुत ज्यादा बाजारों में उतार चढ़ाव फिलहाल आप देखेंगे 8 से 10 दिनों में नहीं देखा जा रहा है। भारतीय बाजारों में एक बिक्री कम होने का सपोर्ट ये भी है कि बिक्री कम क्यों हो रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आचार संहिता लगी हुई है, तो कैश का कामकाज न होने के कारण बाजारों में आपको एक नरमी का माहौल दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन रेट की क्या स्थिति है। स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करेंगे, मंडी कोइंगड़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 34,600 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 30,500 रुपए, रायगढ़ का बाजार 30,100 रुपए, रायपुर का बाजार 31,900 रुपए, राउरकेला का बाजार 29,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो ये आप देख के चल सकते हैं कि स्पॉन्ज आयरन में मंडी कोइंगड़ में 34,600 रुपए, दुर्गापुर में बाजारों में आप हल्की फुल्की नरमी बाजारों में देखी गई। रॉ मटेरियल में जब गिरावट आती है तो स्वाभाविक है आपको फिनिश प्रोडक्ट में भी बाजारों में नरमी देखने के लिए आपको मिलेगी। अभी आपको मेटल के बारे में भी बताएंगे, इससे पहले आपको बता देते हैं इंगट और स्क्रैप के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो इंगट का सपोर्ट का लेवल 46,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 46,700 रुपए, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 34,900 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 35,600 रुपए, 35,600 रुपए देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चल सकते हैं, ओवरऑल आउटलुक आप ये देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार की, इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ मेटल बाजारों में दिखाई दे रहा है। तो मेटल बाजारों में देखेंगे, मेटल बाजारों में धुआंधार तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। मेटल का बाजार, कापर का बाजार 874.80 रुपए हो गया, जबकि जिंक का बाजार 261.65 रुपए, लेड का बाजार 193 रुपए, एल्युमिनियम 237.45 रुपए। आज कापर में फिजिकल बाजारों में लगभग 5 से 7 रुपए किलो की तेजी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लगातार बाजारों में एक तेजी का ही माहौल है। जबकि अगर हम सोने चांदी की बात करेंगे तो सोने का भाव 71,333 रुपए, 266 रुपए गिर के कामकाज हो रहा है। सिल्वर का भाव 81,831 रुपए पे 651 रुपए गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल का बाजार 6,900 रुपए के आसपास ही बाजारों में आप देख रहे हैं, 6,900 रुपए के पास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल में। और आप देख के चल सकते हैं कि क्रूड ऑयल में 6,800 रुपए का फिलहाल के लिए एक सपोर्ट है। 6,800 रुपए के सपोर्ट से आपको एक कोई पोजीशन बनानी हो तो उसके सपोर्ट के हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेटल बाजारों में धुआंधार तेजी है, बाजारों में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। जैसे कि लगातार आपको मालूम है कापर में 725 रुपए के लेवल से सबसे पहले न्यूज मार्केट 24 ने बाइंग दिया था, और लेवल बताया थे कि 800 रुपए का पहला लेवल, फिर 835 का, फिर उसके बाद 870 रुपए का लेवल दिया, अभी फिर नया लेवल भी ऑलरेडी दे दिया। आप भी अगर नया लेवल जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर आप जाइए और डिटेल लीजिए। और किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। अथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। सही और सटीक जानकारी के लिए आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में। आज जबरदस्त तेजी के साथ मेटल बाजार में कारोबार देखा गया है, विदेशी मार्केट में, ग्लोबली बाजारों में भी, LME MCX के बाजार में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, पीतल में, लेड में, जिंक में, निकल में, इन सब में आपको अच्छी तेजी बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पुराने जो मेटल स्क्रैप हैं, दिल्ली और मुंबई के फिजिकल बाजार जो हैं, यहां पर भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। रेट आज का देखा जा रहा है मेटल बाजार में, ट्रेडिंग रेंज क्या चल रही है, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको सारी जानकारी खबरों में आगे विस्तार से देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेटल बाजार में तेजी देखी जा रही है और LME MCX के बाजार में काफी अच्छी खासी बढ़त है, जिसको देखते हुए कॉपर का एलमी में रेट 10,166 रुपए चल रहा है, 873.60 रुपए MCX का रेट कॉपर में है। एल्युमिनियम के मार्केट में 2,586 रुपए का रेट, एलमी में 237 रुपए का रेट MCX में देखा जा रहा है। लेड के बाजार में 2,231 रुपए का रेट, एलएमई में 193 रुपए का रेट MCX में चल रहा है। जिंक के मार्केट में भी तेजी है, 2,948 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है जिंक में। एलएमई में 259.85 रुपए कीमतें MCX के बाजार में आप जिंक में देखकर चल सकते हैं। सोने के मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में 2,333.90 रुपए का रेट कॉमेक्स में है, 71,183 रुपए का रेट बाजार में आप MCX में देखकर चल सकते हैं। चांदी के मार्केट में 27.03 रुपए कीमतें कॉमेक्स में चल रही हैं, 80,025 रुपए तक का रेट MCX के बाजार में आप चांदी में देखकर चल सकते हैं।
क्रूड ऑयल के मार्केट में भी तेजी है, 82.30 रुपए का रेट कॉमेक्स में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल में 6,888 रुपए का रेट एमसीएक्स के बाजार में क्रूड ऑयल में चल रहा है। दिल्ली के मार्केट में तेजी के साथ कामकाज हुआ है। दिल्ली के बाजारों में कॉपर केबल स्क्रैप में रेट आप 876 देखकर जा सकते हैं। कॉपर आर्मेचर का रेट 864 है। एल्युमिनियम के बाजार में एल्युमिनियम पुर्जे में कीमतें 189 है। एल्युमिनियम बर्तन का रेट 193 है। जिंक के मार्केट में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 270 चल रही है। लेड का रेट 188 है। एलआईबीटी में कीमतें 208 है। बैटरी स्क्रैप में आज का जो रेट चल रहा है दिल्ली के बाजार में वो 102/122 चल रहा है। निकल का आज का रेट 1625 चल रहा है। टिन नांगे में कीमतें 3,080 रुपए है। पीतल में भी तेजी है, 552 रुपए तक का आप पीतल का रेट देखा जा सकते हैं। एसएस बर्तन स्क्रैप में 64 रुपए तक की दिल्ली के बाजार में आपको कीमतें देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली के मार्केट में एल्युमिनियम्स के मार्केट में जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार हुआ। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे, मुंबई के बाजार के बारे में जानेंगे, ट्रेडिंग रेंज आज क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, रेट क्या चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आपको जानना है कि बाजार खुलने से पहले पूरा कैसा कारोबार पूरे दिन का मेटल बाजार में रह सकता है, कैसा कारोबार लॉन्ग टर्म में रह सकता है, मई महीने में कैसा कामकाज देखा जाएगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इस लाइव सेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पूरे दिन कैसा कारोबार देखा जाएगा। बाजार खुलने से पहले लाइव सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं, एक्सपर्ट द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं कि पूरे दिन मार्केट में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। तो इसको जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई के बाजार के बारे में। मुंबई के मार्केट में भी जो बेस मेटल है यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कॉपर में कॉपर केबल स्क्रैप में रेट मुंबई के बाजार में 857 है। कॉपर आर्मेचर का रेट 839 रुपए देखा जा रहा है। ब्रास स्क्रैप में आज कीमतें 543 है। एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट 191 है। जिंक के बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 257 है। लेड का जो रेट है वो 194 चल रहा है। टिन इंगट में कीमतें 3,059 है। निकल कैथोड का रेट 1627 देखा जा रहा है मुंबई के बाजार में। अब इसके अलावा ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं, तो अच्छी तेजी के साथ आपको बाजारों में कारोबार देखा गया है उसको देखते हुए कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट का जो लेवल है वो 861 है। रेजिस्टेंस लेवल 870 चल रहा है। लेड के बाजार में 186 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल 188 है। जिंक के मार्केट में 260 रुपए का सपोर्ट का लेवल काफी अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 266 रुपए चल रहा है। जिंक के बाजार में निकल के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो 1695 रुपए का सपोर्ट काफी अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 1735 चल रहा है निकल में। ओवरऑल आज का ट्रेंड मार्केट में आपको यहाँ से पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। रेट जो है वो काफी अच्छा आपको रेट देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर मेटल के मार्केट में जरूरत के हिसाब से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहे बाजार के बारे में, जानेंगे आज क्या कीमतें चल रही है लोहे के मार्केट में, ब्रांडेड कंपनियों में, टीएमटी सरिये में। तो आज मार्केट में सुबह बाजार खुलने के साथ बढ़त के साथ कामकाज देखा गया। 200 से लेकर 300 रुपए तक की आज बढ़त दर्ज करी गई है। करेक्शन आया है मार्केट में। आज इंगट के बाजार में भी तेजी के साथ कामकाज हुआ है। 200 से लेकर 300 रुपए तक की जो तेजी आई है उसको देखते हुए बात करेंगे कि टीएमटी सरिये में ब्रांडेड कंपनी में आज क्या कीमतें चल रही है। होलसेल के मार्केट में टीएमटी सूद में आज आप क्या रेट देखकर चल सकते हैं। आपको रेट के साथ साथ ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहे के बाजार में आपको आज के दिन रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसको देखते हुए टीएमटी सरी में जो ब्रांडेड कंपनियां हैं यहां पर भी मार्केट में सुधार हुआ है, जिसमें भारतम कंपनी में आज का रेट 51,500 है। कामधेनु कंपनी में आज कीमतें 59,101 है। गेटू कंपनी में रेट 58,701 चल रहा है। ज्योति कंपनी में कीमतें आज की 58,512 देखी जा रही हैं। फॉर्च्यून कंपनी में आज का रेट 60,099 रुपए चल रहा है। टीएमटी सरिये में प्रबल कंपनी में कीमतें 57,801 है। दौबा कंपनी में आज का रेट 64,200 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। दीपक कंपनी में कीमतें 51,000 है। अंबा कंपनी का रेट 56,200 रुपए देखा जा रहा है टीएमटी सरिये में। जवाहर कंपनी कीमतें 57,500 है। शेर पंजाब कंपनी का रेट आप 59,111 रुपए देकर चल सकते हैं टीएमटी सरिये में। जिंदल कंपनी में आज कीमतें 50,800 रुपए देखी जा रही हैं। ओवरऑल आज के दिन आपको बाजारों में बढ़त देखने को मिलेगी। इंगट का जो रेट चल रहा है वो 46,700 चल रहा है, जिसमें 300 रुपए तक की बढ़त आज दर्ज करी गई। और एमएस स्टेप में बाजारों में आज की कीमतें 35,600 देखी जा रही है। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है।
अब इसके अलावा होलसेल के बाजार के बारे में खबरों में आके बात करेंगे, जानेंगे क्या कीमत देखी जा रही है होलसेल पर टीएमटी सूत के बाजार में। मगर उससे पहले अगर आपको लोहा बाजार संबंधित मार्केट उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, और बाजार खुलने से पहले मार्केट की पूरी रेंज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लोहा सरिया के बाजार से संबंधित जानकारी के लिए होता है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएमटी सूद के बाजार के बारे में। जिंदल कंपनी में भी मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। जिंदल ब्रांड में टीएमटी सूद में 206 एमएम टीएमटी में रेट 62.10 रुपए पर किलोग्राम है। 250 8 एमएम टीएमटी में रेट 62.10 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। 310 एमएम टीएमटी में आज का रेट 60.90 रुपए पर किलोग्राम आप देखकर चल सकते हैं। 412 एमएम टीएमटी में आज की कीमतें 58.50 रुपए पर किलोग्राम है। 516 एमएम टीएमटी में आज का रेट 59.70 रुपए पर किलोग्राम देखा जा रहा है। 620 एमएम टीएमटी में आज की कीमतें 59.70 रुपए पर किलोग्राम है। और 800 यानी 25 एमएम टीएमटी में आज का रेट 59.70 रुपए पर किलोग्राम आप यहां से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। होलसेल के मार्केट में जो हमने आपको रेट बताए हैं, सभी उत्तर प्रदेश संबंधित मंडियों की कीमतें हैं और मुजफ्फरनगर संबंधित मंडियों की कीमतें हैं। और होलसेल के रेट होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर के लिए 3 से 4 रुपए पर किलोग्राम मार्केट प्राइस से आपको टीएमटी सूत इस रेट से महंगा जरूर मिल सकता है। मार्केट में आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से यहाँ से आप लोहे के बाजार में टीएमटी सरिया के बाजार में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, आज जानेंगे क्या कीमत देखी जा रही है लोहा बाजार में। बिलेट के मार्केट में आज क्या रेट चल रहा है, तो होलसेल के मार्केट में आज आपको तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। 100 से 200 रुपए तक बढ़े हैं इंगट के बाजार में, जिसको देखते हुए बिलेट में भी रिकवरी आई है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो होलसेल के मार्केट में बिलेट के बाजार में 46,700 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। मंडी गोविंदगढ़ में, दुर्गापुर में कीमतें 43,800 हैं। रायगढ़ में रेट 43,400 रुपए देखा जा रहा है बिलेट में। रायपुर में आज का रेट 43,800 है। जयपुर में आज का जो रेट चल रहा है बिलेट में वो 46,500 चल रहा है। कोलकाता में आज की कीमतें 44,500 रुपए चल रही है। मुजफ्फरनगर में रेट आज का 46,200 है। मुंबई में आज कीमतें 46,300 रुपए बिलेट में देखी जा रही है। गाजियाबाद में जो आज का रेट चल रहा है वो 46,000 चल रहा है। लुधियाना में जो आज कीमतें चल रही हैं बिलेट में वो 46,000 चल रही हैं। इसके अलावा इंगट और स्क्रैप के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो इंगट के बाजार में भी आज आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। 46,700 रुपए तक का एमएस इंगट में रेट चल रहा है, जहां 300 रुपए तक की बढ़त आई है। और एमएस स्क्रैप में आज कीमतें 35,600 चल रही है। इसके अलावा नए ऊपर आए लोहे में भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। 49 रुपए पर किलोग्राम का रेट नए लोहे में बाजारों में देखा जा रहा है। 31 रुपए पर किलोग्राम कीमतें पुराने लोहे में मार्केट में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव भी है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, रेट काफी अच्छा है। खरीदारी करने के लिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो होलसेल के रेट हमने आपको जितने सारे बताए हैं वो सारे आप उनको देखते हुए जरूरत के हिसाब से लोहे के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के बाजार के बारे में। स्टेनलेस स्टील के मार्केट में काफी ज्यादा फ्लैट कारोबार देखा जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में स्टेनलेस स्टील के बाजार में क्या प्राइस चल रहे हैं, स्टेनलेस स्टील में शीट में प्लेट में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको रेट के बारे में विस्तार जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले दिल्ली के बाजार के बारे में बात करते हैं। स्थिरता के साथ दिल्ली में कारोबार चल रहा है। दिल्ली में एसएस में मिक्स स्क्रैप में रेट 62 रुपए है। स्टेनलेस स्टील में स्क्रैप 202 में कीमतें 65 रुपए है। स्क्रैप 304 का रेट 112 है। 309 स्क्रैप में कीमतें दिल्ली में 193 है। 310 स्क्रैप का रेट 233 है। और 316 स्क्रैप में कीमतें 201 चल रही है। इसके अलावा मुंबई में स्टेनलेस स्टील रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो मुंबई में 430 शीट में जो कीमतें चल रही हैं स्टेनलेस स्टील में वो 160 चल रही हैं। मुंबई में 301 शीट और प्लेट का रेट बाजार में आप 220 रुपए देखकर जा सकते हैं। इसके अलावा पुणे में भी स्टेनलेस स्टील में आपको स्थिरता के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। एसएस में 304 स्क्वायर स्क्रैप में कीमतें 145 चल रही हैं। स्टेनलेस स्टील वायर में कीमतें 188 हैं। राउंड स्टील बार का रेट 188 चल रहा है। और एसएस में 410 पाइप की कीमतें बाजारों में 143 देखी जा रही हैं। तो इंगट के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। स्टेनलेस स्टील की मार्केट में भी बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है मार्केट में। और स्थिरता के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट काफी अच्छा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप यहां से स्टेनलेस स्टील के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।